हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं बेस्ट एमसीक्यूज की क्लास जो होती है रोज सुबह 10 बजे से। ठीक है, आ गए सभी? मुकेश, नरगिस, वेदा, विशाल, निवेदिता, आकांक्षा, गोपीचंद, गौरव, दिव्या, शेघाली, सावित्री, इंदु, ममता, राहुल, सम्राट, खुशबू, अक्षय रॉय, सुप्रिया, सुखजीत, मनु, आशीष, रुखसार, ब्रह्मदेव, अभिषेक, रितेश, पुष्कर। पुष्कर कल तुम गायब थे। इंदु भी, नंदनी, राजशेखर, संगीता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आपको, आप सभी को जो बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ठीक है, तो सही पूजा पाठ करके आए होंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट। आज जो क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री के होंगे, और जो मैंने कल कहा था टेस्ट्स के बारे में, उस पर काम चल रहा है। जल्दी ही वैसे क्वेश्चंस लाए जाएंगे टेस्ट सीरीज वाले। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि अपना जो चैनल है उस पर आएगा, क्योंकि कोई इशू नहीं होगा उस पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चीज़ों को। जो पहला क्वेश्चन है वो है एंशियंट इंडिया से। अशोक का जो समय था, अशोक के दौरान एक धम्म महामत्ता हुआ करते थे। ये क्या थे, क्या काम था इनका? जो धम्म महामत्ता होते थे, इनका काम क्या होता था, आपको ये बताना है। क्या वो एक ऑफिसर थे जो लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते थे? ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, क्या वो धम्म का जो संदेश है उसको फैलाते थे? क्या वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, या फिर नन ऑफ द एबव? ध्यान से बताइएगा इसका आंसर, धम्म महामत्ता के बारे में क्या बातें सही हैं। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वही आंसर है, उस पर टिके रहिए। हिस्ट्री नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, आप आंसर कर पाएंगे, आसान सवाल हैं। ठीक है, मैंने कहा था आप जो सोच रहे हैं वही सही है। ठीक है ना? हाँ, ठीक बात। मैंने कल बताया था आपको कि ये जो धम्म है, दीन इलाही है अकबर का, वो किस लिए बनाया गया था? जो धार्मिक सौहार्द होता है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर धम्म है क्या, धम्म है क्या एक्चुअली? क्या ये अलग धर्म है? नहीं, ये अलग धर्म नहीं है। वो धम्म जो है वो प्रिंसिपल्स हैं। ये क्या हैं? ये प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो सभी धर्मों पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म के हों, चाहे वो हिंदुज्म के हों, सभी धर्मों पर ये जो धम्म है वो अप्लाई होता है। और धम्म के अनुसार इसका काम है जो सबका वेल बीइंग है उसको इंश्योर करना, इस जीवन में और अगले जीवन में जो सबका भला है वो इंश्योर करना। इस काम के लिए, धम्म के प्रमोशन के लिए, एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति करी जाती थी जिनका नाम होता है धम्म महामत्ता। क्या करते थे? जो धम्म का संदेश है उसको फैलाते थे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पेज नंबर 34 से आपको यह सवाल दिया गया है। ठीक है, आपका जो क्लास 11th की है ना, 12th की है, 12th का है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर हो गया? धम्म कष्ट प्रणाली के लिए इसकी नियुक्ति करी गई थी। बी आपका जो है वो सही है। ओके, चलो अगला सवाल आपका है जैनिज्म के बारे में। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स, साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ एंड रिबर्थ, क्या ये कर्म से शेप होता है? दूसरा, एस्टिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म, दोनों में से कौन सी बातें सही है कर्म के बारे में जो जैन धर्म के बारे में के अंतर्गत कही गई है? ठीक है,
राहुल एंड संगमित्रा एम्बेसडर थे, वो ऑफिसर नहीं थे कि उनका एक जॉब है, उनको भेजा गया था, दूत थे वो एक तरह से अशोक के। ठीक है, इसका बताना आंसर जैनिज्म के बारे में कौन सी बातें सही हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, बहुत अच्छे। बुद्धिज्म और जैनिज्म पर हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, हिस्ट्री काफी शुरू कर दो आप, टारगेट में जितना दिया गया है उतना तो कर लो। हिस्ट्री शुरू करेंगे, पहले किताब कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, ये चल रहा है, इसमें से जो पहले ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू कर देंगे। ठीक है, बारे बारे से ख़त्म करते हैं, सब सब एक जिले के लाइन बैठेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों बातें हैं वो सही हैं जैनिज्म के बारे में। क्लियर बात। जैनिज्म के अनुसार कहा क्या गया है कि जो पूरा आपका संसार है वो एनिमेटेड है, इवन स्टोन्स, रॉक्स, वाटर, इन सब में जीवन है। जैनिज्म के अनुसार सजीव निर्जीव नहीं होता, जो वस्तु भी है उसमें भी जीवन है। किसी भी लिविंग बीइंग को अगर हम लोग इंजर्ड करते हैं, उसको अगर हम क्षति पहुंचाते हैं, तो ये धर्म के खिलाफ है। इसी कारण से जो बुद्धिस्ट होते हैं ना, जो आपके जैन होते हैं, वो मास्क लगाए रहते हैं हमेशा, कि सांस लेने से भी किसी की मृत्यु ना हो जाए। जैसे कि आप सांस लेते हैं, हवा में कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कंप्लीट नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट, सभी जो जीव हैं उनको क्षय नहीं करना है, क्षति नहीं पहुंचानी है। समझ गए बात। जैन जो होते हैं वो नॉनवेज तो नहीं ही खाते, लहसुन प्याज भी उनमें सब मना होता है। उनके अनुसार, जैनों के अनुसार, जो जन्म और मरण का जो साइकिल है ये कर्म से तय होता है, कर्म से तय होता है। क्लियर बात। आपको करना क्या पड़ेगा, जो पश्चाताप है अगर आपने गलती की है तो, और एस्टेसिज्म मतलब कि जो सामान्य जीवन जो होता है ना, मतलब तामझाम वाला जीवन नहीं, योगियों जैसा जीवन, वैसा बिताएंगे तो आप अपने आप को कर्म के साइकिल से मुक्त कर लेंगे। आपको दुनिया को रियनाउंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दुनिया से दूर जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये कहा गया है आपके जैनिज्म में। इतना ज्ञान देने के बाद आपको मैं सवाल पूछूं, ये बताइए क्या जैन धर्म में कर्म का कॉन्सेप्ट है? आपसे अगर सवाल सीधा पूछा जाए, दूसरे शब्दों में, क्या जैन धर्म में कर्म का कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है। कर्म से ही तो आपका तय हो रहा है ना, जन्म और मरण, आपका जो बर्थ एंड रिबर्थ। क्लियर बात है। क्या आंसर हो गया जी? सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने इतना पढ़ा जैनिज्म के बारे में। दोबारा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पेज नंबर 88 से सवाल आपको दिया गया है, एंशियंट इंडिया। त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जैनिज्म या बुद्धिज्म? बुद्धिज्म। बहुत अच्छे। जो त्रिपिटक होते हैं, इसमें त्रि का मतलब होता है तीन, तीन होते हैं। एक होता है विनय पितक, एक होता है सुत्त पितक, तीसरा होता है अभिधम्म पितक। ठीक है, विनय पितक, सुत्त पितक और अभिधम्म पितक यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। प्लस जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उन सब में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं इनसे, कि जो विनय पितक है इसमें क्या है, सुत्त पितक में कौन सी बातें लिखी गई हैं, इस तरह का सवाल पूछा जाता है आपसे। जो वेद हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेद है वहां पर किस तरह का, मतलब जो बातें लिखी गई हैं, है ना, श्लोक हमें जैसे कि कहाँ पर मिलते हैं,
किस देवता के बारे में सबसे ज्यादा श्लोक है, जो जीके वाले जो क्वेश्चन है ना जो पूछे आते हैं आपसे स्टेट पीसीएस में, वो उसके लिए जो लूसेंट की किताब है वो काफी रहेगा। स्टेट पीसीएस के जीके के लिए लूसेंट जो होता है वो सफिशियंट होता है, बशर्ते आप इसको ढंग से रिवाइज कर लें। ये करते हैं क्या है लूसेंट वाले, ये एनसीईआरटी को कंपाइल कर देते हैं, जो एनसीईआरटी की जो किताब है ना उसमें से जो फैक्ट है वो निकाल निकाल के जो अपना जो पूरा बुक है उसको कंपाइल कर लिया, तो उसको पढ़ेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे। ठीक है, प्लस एक किताब आती है इसकी घटना चक्र की, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, वो एक्चुअली क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, पढ़ने के लिए आपका वो हो गया और प्रैक्टिस करने के लिए आपका वो हो गया, क्वेश्चन बैंक वाला किताब हो गया। अब बताओ कि विनय पिटक में क्या रूल्स और रेगुलेशन है उनके लिए जो संघ को ज्वाइन करते हैं, सुत्त पिटक में क्या बुद्ध का ज्ञान मतलब बुद्ध की जो शिक्षा है वो रखी गई है, अभिधम्म पिटक क्या इसमें फिलोसॉफिकल मैटर्स हैं, क्या इसमें दार्शनिक बातें लिखी गई हैं, बताइएगा तीनों पिटक के जो कंटेंट है उसके बारे में कौन सी बातें सही है। हाँ, बाहुबली का जो इंटरव्यू है वो घटना चक्र के मैगजीन में छपा है, तो बहुत खुश हैं बाहुबली, है ना। अरे टॉपर का छपता है ना इंटरव्यू मैगजीन में, हाँ वही वाला इंटरव्यू, हाँ उसमें मेरा भी नाम है शायद। ठीक है। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आपके बीच से कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, जैसे कि आपका यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, इन सब में। हाँ, हमारे ग्रुप का जो प्राइड है बाहुबली, मंजुनेंद्र बाहुबली। चलो, तो यहाँ पर तीनों बातें जो है वो सही हैं। विनय पिता का इसमें जो रूल्स हैं वो लिखा गया है जो लोग संघ ज्वाइन करेंगे ना उनके लिए, मतलब संघ में आकर के आप किस तरह का जो नियम है वो पालन करेंगे, वो विनय पिता का। याद कैसे करेंगे सर? संघ में आप आकर के विनय से रहेंगे, क्या करेंगे? संघ में आकर के आप विनय के साथ, मतलब विनय आदमी नहीं, मतलब विनय मतलब क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे उसको, विनय को, विनम्रता के साथ रहेंगे। सही बात है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, तो इस तरह से आपको याद रहेगा हम्बल। हाँ, सुत पिता का इसमें जो बुद्ध का जो टीचिंग है, सूत्र है, बुद्ध का जो सूत्र है वो है, मतलब उसके जो ज्ञान है ना वो है। अभिधम्म जो बच गया उसमें फिलोसफिकल, धम्म मतलब क्या, धर्म संबंधित, तो वो फिलोसफिकल हो गया, याद रहेगा। विनय लिखो, इसको कॉपी में लिखते जाओ, विनय में क्या था, संघ के नियम, ठीक है। सुत इसमें क्या था जी, शिक्षा, बुद्ध का जो शिक्षा है वो याद रहेगा ना अब। हाँ, अभिधम्म, अभिधम्म इसमें क्या है, दर्शन, दर्शन, क्लियर बात। ठीक है, लिख लिया। तो यहां पर आपका जो 1 2 3 है वो सही है, 1 2 एंड 3 जो है वो सही है। बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर आपने जो इसके बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं, ठीक है। जो त्रिपिटक होता है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है, मतलब ये किताबें हैं, एक तरह से लिटरेचर है, ये लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक पार्ट है। चलो, अगला सवाल आपका है, हमने आपको कुछ टेक्स्ट दिए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाट्य शास्त्र, चरक संहिता, चरक संहिता, नाट्य शास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, आपको बताना है कि
ये इनमें से पहले कौन लिखा गया था, बाद में कौन लिखा गया, आपको इन टेक्स्ट को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो पहले लिखा गया उसको यहां लिखोगे, बाकी को फिर यहां लिखोगे, इस तरह से। ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका जो एनसीईआरटी है उसी से है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा, कॉमन सेंस लगा करके जवाब देना है इसका। ठीक है, एनसीईआरटी की जो किताब है ना उसके अंतिम में कुछ टेबल दिए हुए हैं। जो किताब है आपकी एनसीईआरटी की, नई वाली न्यू एनसीईआरटी की, उसकी किताब के अंतिम में टेबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसी टेबल से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया था चरक संहिता, फिर लिखा गया था नाट्य शास्त्र, उसके बाद कालिदास आए और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना करी। ठीक है, देखो 500 BC में पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना करी गई। किसकी रचना करी गई? अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर पर एक किताब थी, संस्कृत व्याकरण पर एक किताब थी। ठीक है, उसके बाद जो धर्मसूत्र हैं इनकी रचना करी गई। उसके बाद जो त्रिपिटक हैं, पाली में, ध्यान सुनिएगा, बुद्धिज्म की जो आपकी किताबें हैं वो पाली में, और जो जैन किताबें हैं वो प्राकृत में रची गई हैं। क्लियर बात याद रहेगा? ठीक है, समझ गए? रामायण महाभारत उसके बाद लिखा गया, फिर मनुस्मृति लिखी गई, और जो तमिल संगम लिटरेचर हैं इनको कंपाइल किया गया। चरक और सुश्रुत संहिता इसके बाद लिखी गई मेडिसिन पर। जो पुराण है 18 उनको कंपाइल किया गया। भारत के द्वारा जो नाट्य शास्त्र है वो लिखा गया संस्कृत में। ठीक है, उसके बाद 400 से 500 ईस्वी में जो कालिदास की रचनाएं हैं वो आई, जो रचना है कालिदास की वो आई। क्लियर बात? तो यहां पर आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, नाट्य शास्त्र है, चरक संहिता है, इसमें सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 2 1, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, जो बुद्धिज्म में जो सिंबल होता है, बुद्ध को पहले इमेज फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, देखते हैं सवाल, रुक जाओ। बुद्ध को पहले इमेज फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जाता था, इनको पहले सिंबल फॉर्म में व्यक्त किया जाता था। समझ गए बात? ठीक है, लिस्ट दिखा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, लिख तो लिया ही होगा अभी तक। नाट्य शास्त्र लिखा था गौरव कुमार भरत मुनि ने, ठीक है ना? हाँ, चलो। तो यहां पर जो बुद्ध हैं उसको सिंबल के रूप में दर्शाया जाता था, कभी कभी बुद्ध को कमल से दर्शाते थे। जब ब्राह्मणिज्म का प्रभाव पड़ा बुद्धिज्म पर, जब ब्राह्मणिज्म का प्रभाव पड़ा बुद्धिज्म पर, तो जो मूर्ति पूजा है वो ब्राह्मणिज्म से बुद्धिज्म में आ गई। जो मूर्ति पूजा की जो कुप्रथा है, इसको कुप्रथा ही कहते हैं मूर्ति पूजा को, ठीक है ना? ये अच्छी प्रथा नहीं है। मूर्ति पूजा जो है वो कई सारे कुरीतियों की जड़ है। हम अभी जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो ठीक है, मगर मूर्ति पूजा भक्ति को आसान बना देती है। दो तरह की भक्ति होती है, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। जब कोई रूप नहीं है तो आप उसको भक्ति कैसे करेंगे? जो ज्ञानी लोग हैं वो तो कर लेते हैं, मगर जो निरक्षर लोग हैं जिन्हें उतना ज्ञान नहीं है, उनको एक माध्यम चाहिए होता है, एक रूप चाहिए होता है जिनकी वो भक्ति कर सकें।
और वो रूप है कृष्ण, राम, सरस्वती, ये सब, समझ गए? जो जेन्युइन है, जो असली है, वो क्या है? वो निर्गुण है, वो निर्गुण है। तुलसीदास ने खुद कहा है, तुलसीदास जो राम के भक्त हैं, राम सगुण रूप है, राम सगुण है मतलब उसमें गुण है, ठीक है ना, मतलब उसका एट्रीब्यूट है एक तरह से, उनका नाम है, कहाँ के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, मेल है फीमेल हैं, सब उनके बारे में पता है। अगर आप किसी चीज से इन सभी चीज़ों को निकाल देते हैं, अगर आप किसी चीज़ से इन सभी एट्रीब्यूट को निकाल देते हैं, मतलब उनका कोई नाम नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो क्या बन जाता है? निर्गुण। जैसे कि ब्रह्म, ब्रह्म वो निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है। कोई गुण का मतलब ये नहीं कि वो गुणहीन है, निर्गुण मतलब ये होता है, निर्गुण का मतलब ये होता है कि उसमें सारे गुण हैं, सभी गुणों से मिल करके बना हुआ है वो निर्गुण, समझ गए? हाँ, तुलसी के राम सगुण है, कबीर के राम निर्गुण है, समझ गए? तो यहां पर होता क्या है, क्या बता रहे थे, पढ़ा क्या रहे थे, मूर्ति पूजा पढ़ा रहे थे। हाँ, जो आपका मूर्ति पूजा है वो कैसे आया? तो जैसे कि तुलसी ने क्या कहा है, तुलसी ने कहा है कि ब्रह्म जो होता है वो निर्गुण है, ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। जब जब हुए धर्म के हानि, मतलब जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर विभिन्न रूप धर करके पृथ्वी पर आते हैं। मतलब ब्रह्म एक्चुअली निर्गुण है, वो विकारहीन है एकदम। मगर बाद में क्या हुआ, जब जब यहाँ पर कुछ जैसे कि जो होता है ना रावण, रावण जैसे कि इस तरह से गड़बड़ चीज़ें होती हैं, तो ऊपर से भगवान अलग अलग रूप लेकर के सगुण रूप में नीचे आते हैं, क्योंकि इंसान को पता नहीं चल पाता कि निर्गुण क्या है, उसकी भक्ति थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। जब भक्ति पढ़ेंगे ना आप आर्ट एंड कल्चर में, तो सब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोनों बातें आती हैं, कबीर निर्गुण भक्त हैं, तुलसी सगुण भक्त हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपका जो मूर्ति पूजा है, इसके कारण जो ब्राह्मण का वर्चस्व है वो बढ़ा, क्यों? क्योंकि मूर्ति आई तो मूर्ति की पूजा करने का जो जरूरत है वो पड़ा, और पूजा करने का जो एकाधिकार था वो जो उच्च वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं, उनके पास था, समझ गए? एमए में पढ़ते हैं अच्छा, तो इसके कारण जो स्टेटिफिकेशन है समाज में, वर्गीकरण है, वो हुआ। इसीलिए जो राजा राम मोहन राय जी हैं और जो दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मैंने पढ़ाया था ना कल, राजा राम मोहन जी का पढ़ाया था ना, ब्रह्म समाज, मूर्ति पूजा का विरोध किया था उन्होंने, आइडोलेट्री का। हाँ, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हाँ ठीक है, तो बताना इसमें से कौन सी बातें जो है वो सही हैं, स्तूप, धम्म चक्र और छत्री, ये भी सवाल आपका इससे ही है, एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन देख लिया जाए, बाहुबली का क्वेश्चन क्या है? अच्छा 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 अच्छा, मैगजीन में आ गया है, वो दिखा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जूम करते हैं हाँ ये देखो, ये श्रद्धा गुप्ता जी हैं जिन्होंने यूपीपीएससी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है, तो उन्हीं का जो इंटरव्यू है वो छपा है, जो कौन सा मैगजीन, ये है ना घटनाचक्र, घटनाचक्र की जो मैगजीन है उसमें ये जो इंटरव्यू है वो छपा है, और इसमें मेरा भी नाम है। हाँ, यहाँ पर मेरा भी नाम है, हाई क्वालिटी में डाल देना ग्रुप पे, ठीक है। हाँ, समझ गए बात, ठीक है, आगे बढ़ें। अपना नाम देखिए ठीक है, इसमें थोड़ा सा लो, जैसे कि वो जो होता है ना, जो लो हो जाता है, इसी से थोड़ा पूरा क्लियर नहीं दिख पाता इसमें, यहाँ पे जो मेरा नाम है ना वो दिखेगा, देखो सुमन सर, चलो देख लिया यहाँ पे, स्तूप, धर्म चक्र, छत्री,
अरे जूम करने पे वो ब्रेक हो जाना ना उसका, फट जा रहा है इमेज। ठीक है, एक काम करना बाहुबली, उसको फोटो खींच करके जो नाम वाला है वो डालो वहीं पे, बस पूरा पेज का मत डालना। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पर बताओ क्या आंसर है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अरे ये इमेज लोटस फ्लावर, जो लोटस है, धर्म चक्र है, स्तूप है, त्रिरत्न है, छत्री, ध्वज, हिरण और नाग, इन सभी रूपों से जो बुद्ध को दर्शाया जाता है, क्या किया जाता है? इन सभी से जो बुद्ध है उनको दर्शाया जाता है, क्या बोल दिया था? 2 एंड 3, रुको देखते हैं। यहां पर जो स्तूप है, स्तूप किस चीज को दिखाता है? देखो, जो आपका स्तूप है वो दिखाता है मॉन्क जो होते हैं उनको, सिंबॉलिक ग्रेव मॉन्यूमेंट वेयर रेलिक्स ऑफ अ होली मॉन्क आर केप्ट, इट ऑल्सो सिंबलाइज द यूनिवर्स। जो स्तूप है वो यूनिवर्स को दिखाता है, किसको दिखाता है? वो यूनिवर्स को दिखाता है। तो पहला गलत है, जो विश्व है उसको दिखाता है, नहीं, पोल सी है, पोल आंसर सी है, डी नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया ना आपका, ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, तो डी कहां से आंसर है? डी आंसर नहीं है ना, सी आंसर है। ठीक है, जो आपका धर्म चक्र है वो क्या दिखाता है? ये होता है व्हील ऑफ द लॉ, इसमें 8 तीलियां होती हैं, जो 8 फोल्ड पाथ होता है ना उसको दिखाता है। जो चक्र की 8 तीलियां हैं वो ये दिखाता है कि जो 8 फोल्ड पाथ है वो क्या है। मैंने क्या कहा था? बुद्ध के चार सत्य हैं, ठीक है ना, नोबेल ट्रूथ, नोबेल ट्रुथ, दुख है, दुख का कारण ही भी है, जीवन में दुख है, जीवन दुख ही दुख है, इस दुख का कारण भी है और इस दुख को दूर करने का उपाय भी है। वो उपाय क्या है? 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, गलत पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा, नॉट करेक्टली मैच, ओके ओके ओके, ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। छतरी किसको दिखाता है? छतरी आपको दिखाता है अ पैरासोल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ईविल, हाई रैंक उसको दिखाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ईविल को। तो आपका तीसरा सही है, मतलब अगर आपको मैं यहां पर नॉट नहीं लिखता तो आंसर यहां पर 2 एंड 3 आता, चूंकि यहां पर नॉट है तो आंसर आपका ओनली 1 आएगा। कोई बात नहीं, ई आपका ऑप्शन है, ओनली 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हाँ बढ़िया। चल अगला हम लोग सवाल देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उस पर सवाल आपको मैंने पूछा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा कि अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल इम्प्रॉपर तरीके से करते। ये सवाल क्यों पूछा? कोरोना वायरस के दौरान, अभी पेंडेमिक के दौरान, जो मास्क है, फेस शील्ड है, कई सारे जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं वो सही तरीके से ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, जहाँ तहाँ हम लोग फेंक दे रहे हैं उसको। तो अगर इस बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल सही तरीके से नहीं किया गया तो क्या क्या होगा? क्या इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा? इनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ प्रोहिबिटेड डिस्पोजेबल एंड डिस्पोजेबल ड्रग्स, डेवलप रेसिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 1, 2, 3 में कौन सी बातें सही हैं आपको यहाँ पर ये बतानी है। एक और क्वेश्चन, अच्छा, ये है, हाँ यहां पर ये है। ठीक है, देखो इन्होंने क्लास 10th पास किया था यूपी बोर्ड से, इन्होंने क्लास 10th पास किया था यूपी बोर्ड से, 72% नंबर। 12th पास किया था 81 से, 10th 72%, 12th 81%, और एमएससी इन्होंने काम पढ़ा था आपका 80%, और बीएससी में 64%। ठीक है, तो ये बातें हैं। हाँ यहाँ पर मेरा नाम है मैगजीन में। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इनका अभी एसडीएम का जो क्या बोलते हैं इसको, एसडीएम नहीं,
यूपीपीएससी 2019 का जो इंटरव्यू है वो हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, और इन्होंने नाटक करके केवल एक ही जो पोस्ट है वो भरा है, एसडीएम। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो बीडीएम तो है ही है। चलो तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो है वो तीनों आपका सही है, यहाँ पर 1, 2, 3 आपका करेक्ट है, क्लियर। तो इससे होगा क्या, जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो इन्फेक्शन होता है अगर बार बार हो तो उसके प्रति जो रेजिस्टेंस होता है ना वो पैदा हो जाता है, जो आपके सुपर बग्स हैं वो पैदा हो सकते हैं इस बायोमेडिकल वेस्ट के इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट से। तो आपका तीसरा सही है। अगर हम लोग इसका ढंग से रिसाइकिल नहीं करेंगे, डिस्पोजल नहीं करेंगे, तो जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें ये सारा जो वेस्ट है चला जाता है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल में ही जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसकी जो पॉलिसी है वो रिलीज करी गई है, और वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी में जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल सेक्टर से इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। ये क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने फ़ोन ख़रीदा, आपने रेडमी का फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन ख़राब हो गया 2-3 साल के बाद, तो कंपनी जो है वो आपके यहाँ से जा करके फ़ोन प्रोक्योर करेगी। क्या करेगी, आपके यहां से जा करके जो ई वेस्ट है ना वो ले लेगा। क्या बोलते हैं उसको, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका जिम्मेदारी है ये। फ्लिपकार्ट, आप सामान खरीदते हैं, वो आपको जो कार्टून में सामान करके भेजता है, तो उस गत्ते को, उस कार्टून को प्रोक्योर करना आपसे फ्लिपकार्ट का जिम्मेदारी है। और फ्लिपकार्ट की साइट पे जाएंगे ना तो वहां पर लिखा भी रहता है ये बातें, आप कभी पढ़ते तो है नहीं उसमें, जाकर खाली मोबाइल देखते हैं कि ये फोन आया है वो फोन आया है, देखिए कभी उसको कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। वहां पर होता क्या है, वहां पर लिखा है फ्लिपकार्ट ने कि उसका ये ड्यूटी है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कि आपके यहां से जो गत्ते भेज रहे हैं उसको हम दोबारा प्रोक्योर करेंगे, इसका चार्ज अलग से। वो सब पॉलिसी बनाती है कंपनी कि चार्ज लेंगे कि नहीं लेंगे। सर रिसाइकलिंग कैसे इंक्रीज होगा, इम्प्रॉपर डिस्पोजल है ना, तो रिसाइकलिंग इंक्रीज कैसे होगा, जब उसका सेग्रीगेशन होगा। रिसाइकलिंग करने का सबसे पहला तरीका होता है उसका सेग्रीगेशन करना, मतलब जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट खतरनाक हैं उनको हम अलग रखेंगे। फॉर एग्जांपल सुई, कांच, इन सब को हम अलग डब्बे में रखेंगे। मास्क हो गया, बैंडेज हो गया, ये सब हम लोग अलग डब्बे में रखेंगे जिससे कटे छटे ना, समझ के बात। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अलग सेक्शन के लिए अलग रिसाइकलर होते हैं, दूसरे के लिए अलग रिसाइकलर होते हैं, इससे जो रिसाइकलिंग होती है वो आसान होती है, साइंटिफिक होती है और इम्प्रूव होती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको इसमें, ज़्यादा डिस्काउंट दिखा तो ऑर्डर कर देते हैं, सही बात है। देखो एक बात, आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आपको कभी भी डिस्काउंट के कारण कोई सामान नहीं खरीदना, ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल, बना लो इसको, कभी भी डिस्काउंट के कारण आप सामान मत खरीदिए। आप सामान तभी खरीदिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो, ये नहीं कि सामान का दाम 300 रुपया था, अभी 250 में मिल रहा है तो हम ले ले रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट पड़ रहा है, नहीं, उनका काम ही है डिस्काउंट देकर के बेचना। आपको जब जरूरत पड़े आप तभी लीजिए, आपको अभी जरूरत नहीं है वो आपको 200 में ही क्यों ना दे आप मत लीजिए, ठीक है। चाणक्य ने कहा है कि अगर आप वो चीज़ें खरीदेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको बाद में वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिसकी आपको ज़रूरत है, याद रखिएगा ये बात। तो पैसे का जो कीमत है वो समझिए, ठीक है। जैसे कि अनअकैडमी का जो पैसा आता है मेरे पास, जो सैलरी आती है, तो मेरा जोमैटो और इंटरनेट छोड़ के कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, कोई खर्चा नहीं है। तो मैं करता क्या था कि जो डिवाइसेज, जैसे कि मेरा कंप्यूटर है, मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक है,
तो मैं इसको अपग्रेड करता था, इसमें मैंने SSD लगा ली, ये लगा लिया, वो लगा लिया, इसका कैबिनेट है उसको कर लिया। अब शौक चढ़ा है साइकिल का, तो मैं साइकिल देख रहा था कि साइकिल कौन सी अच्छी आई है। साइकिल जो होता है ना वो बढ़िया माउंटेन बाइक टाइप की, वो महंगा आता है, 40,000 के 30,000 के करीब का आता है। अब बात यह है कि साइकिल मैं ले लूं, जाऊंगा कहाँ? समझ रहे? तो जिसकी जरूरत नहीं है वो लेने का टेम्पटेशन बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल लिया है जो होता है ना दिखाता जो है ना वो टेनिस बॉल, सोचा कि खेलूंगा, बैट भी है ही, ले लिया रखा है, बैडमिंटन ले लिया वो भी रखा है। तो होता क्या है ना कि सामान तो ले लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। हाँ अब आलसी आदमी है तो क्या करें, इसीलिए छोड़ दिया, जाने दो। अब क्या किया है, एकदम कॉस्टलेस कॉस्टलेस चीज दौड़ना शुरू किया है। दौड़ने के लिए भी एक सोचा कि यार दौड़ रहे हैं तो जूता ले लेते हैं, ठीक है ना तो जूता देखते रहते थे बैठ के अमेजोन पे, ये जूता बढ़िया है, इसका सोल बढ़िया है समझ रहे हो ना? तो ये समस्या होती है। तो एक दिन गए मार्केट में, जूता ले आए, काम खत्म, 500 का जूता है, मस्त चलता है, ठीक है। ये नहीं कि नाइक और एडिडास, कुछ नहीं है, सेगा एक कंपनी है, इसके जूते बहुत ही हल्के होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो दुकान वाले ने समझाया, मैंने कहा कि दिखाओ ब्रांडेड, पैसा है दिया है अनअकैडमी तो उसने कहा तुमको दौड़ना है तो तुम काहे के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हो नहीं, गोल्ड स्टार पे दिखाया था उसने, गोल्ड स्टार से अच्छा जूता है ये वाला, ठीक है ना। तो उसने दुकान वाले ने 1500 का जूता छुड़वा करके उसने 500 का जूता दिलवाया और बोला तुम घर जाओ दौड़ना, तुम 10 दिन दौड़ लो, आना नया जूता लेके जाना। उसको पता था कि मोटू नहीं दौड़ेगा समझ गए, मगर दौड़ रहे हैं क्योंकि उसने कह दिया कि तुम नहीं दौड़ोगे, जानते हैं। तो हमने कहा बेटा कम हम 10 दिन तो कम से कम दौड़ेंगे, अब तुम देख लो ठीक है ना। तो अभी दौड़ रहे हैं, तो हो गया है, ठीक ठाक दिन हो गया है, ठीक है, चलो हो गई बातें। हाँ तो यहां पर अगला सवाल आपका है इमरजेंसी के बारे में, सवाल आपका इमरजेंसी के बारे में। तो कभी कभी बातें आप कभी कभी आपको ज्ञान वहां से मिलता है जहां से आप उम्मीद नहीं कर रहे। एक जूते बेचने वाला आदमी आपको ज्ञान दे जाए इसकी आप उम्मीद नहीं करते। जो आदमी यूपीएससी के एस्पिरेंट को पढ़ाता है उसको एक जूते बेचने वाले ने काफी बातें सिखाई। तो जहां से भी ज्ञान मिले लपेट लो, ये होना चाहिए। लक्ष्मण रावण के पास गया था ज्ञान लेने राम के कहने पे, तो कोई बुरी चीज नहीं है ज्ञान लेना, ठीक है। चलिए बताइएगा जो आपके इमरजेंसी प्रोविजन है उसके बारे में क्या बातें सही है, क्लियर बात। गोल्ड स्टार वाला जूता उतने का ही था, 350-450 का था, मगर उसका सोल बहुत मोटा होता है, भारी होता है, ठीक है ना। मैंने दोनों जूते देखे थे तो उसे अच्छा सेगा वाला लगा, ये काफी हल्का होता है, सोल भी इसका बढ़िया होता है, सोल लगता नहीं है ज्यादा पैर में दौड़ने पर। अरे 400-420 मीटर का जो सर्कमफ्रेंस है इसका फील्ड है, और इसमें हम लोग 7 या 8 चक्कर मारते हैं, जोड़ लो 7 चक्को 28, मतलब 2.8 किलोमीटर डेली। अगर 8 चक्कर मार लिया तो 8 चक्को 32, 3.2 किलोमीटर डेली, ठीक है। हाँ ये दो रेंज मैंने क्यों लिया है, क्योंकि फील्ड इस तरह का है, फील्ड जो है ना वो इस तरह का है, इसमें दो राउंड हैं, एक ट्रैक आपका ये वाला है, एक ट्रैक आपका ये वाला है, तो इसीलिए इस ट्रैक पे जाएंगे तो आपका सरकमफ्रेंस कम हो जाएगा बिहार कांस्टेबल, हाँ वहां पर कई सारे जो लोग होते हैं ना दौड़ते रहते हैं कंपिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो लोग मुझे दौड़ते हुए देखते हैं कहते हैं कि इससे ना निकलेगा एग्जाम तुम्हारा ना, तुम फिजिकल में छट जाओगे तो कहना पड़ता है कि हमारा पर्पस कुछ और है, ठीक है ना। हाँ कलेजे पे लग गई है बात,
तो उसको ठीक करना है, समझ गए बात। तो यहाँ पे आपका जो इमरजेंसी प्रोविजन है आपको मैंने पढ़वा दिया है टारगेट वाले वीडियो में, है ना, जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो पढ़वा दिया है, प्रेसिडेंट रूल है पढ़वा दिया है, जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये भी आपको पढ़वा दिया है, पढ़वा दिया है। हाँ ठीक है। हाँ सर, मैं डेली रनिंग करना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना भी चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बट डेली अलार्म ऑफ करके सो जाता हूँ। सेम आदत मेरा था, मैं सुबह में कभी नहीं दौड़ पाया। ठीक है, मुझे लगा कि जूते वाला सही कह रहा है, बोला कि ना गलत साबित करके रहेंगे। मैंने शाम को दौड़ना शुरू किया, शाम को दौड़ना शुरू किया और डेली 6 बजे जाते हैं दौड़ने, क्योंकि शाम को तो आपको उठने की समस्या नहीं है, सब काम निपटा चुके हैं, क्लास भी शाम को 8 बजे से है, तो कोई टेंशन नहीं है, शाम को निकलो दौड़ करके आओ। ठीक है, मगर दिक्कत क्या होती है कि थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होने लग गई है, जैसे कि ठंड का दिन था ना अभी से 10-15 दिन पहले, जब ठंड ज़्यादा थी तो कम लोग आते थे, और अभी क्या है कि काफ़ी सारे लोग पहुंच जाते हैं शाम को। ठीक है, तो थोड़ा सा और आप थोड़ा सा और लेट में निकलेंगे 6:30 के आसपास, ताकि जब अंधेरा हो जाए तो कोई रहे नहीं, फिर आराम से दौड़ें। चलो यहां पर आपके जो प्रोविजन पर सवाल पूछा गया है, रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्या बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, केवल लोकसभा। अगर लोकसभा पास कर दिया कि हम लोग इमरजेंसी का कंटिन्यूअस जो अपना जैसे कि इसके इस जैसे कि इसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो विथड्रॉ हो जाएगा, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पहला हो गया गलत, इट मस्ट नॉट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, ओनली लोकसभा इज सफिशियंट, ओनली लोकसभा इज सफिशियंट। द प्रेसिडेंट मे रिवॉक द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल, क्या प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर सकता है बिना किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल को? जी हाँ, अगर हटाना है, अगर इमरजेंसी हटानी है तो प्रेसिडेंट हटा देगा, मगर अगर लगाना है तो हमको अप्रूवल चाहिए होगा संसद का। ठीक है, हाँ मैंने बताया था आपको कि चार चार का अंतर होता है, क्या क्या होता है, चार चार का अंतर होता है। नेशनल इमरजेंसी 352, चार जोड़ दीजिए कितना आ गया 356, चार जोड़ दो कितना आ गया 360। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और अंतिम में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अरे याद नहीं रहता, इसलिए कुछ तरीके होते हैं याद करने के, लिखा हुआ तो किताबों में है ये सब, मेरा जरूरत तो वैसे नहीं है, मगर ये सब जो ट्रिक होता है ना बताने के लिए कि इस तरह से याद रखो, ये मेन काम होता है हमारा, किताब में जो ज्ञान है यहाँ घुसाना है, अच्छे से उसका इस्तेमाल करना सिखाना है। ठीक है, तो चार चार का अंतर है याद रहेगा, 352 याद रखो, 356 और 360, या फिर 360 याद कर लो तो माइनस करते चाहो चार चार, जो तुम्हें ठीक लगे तरीका वो अपनाओ। ठीक है, और कोई दिक्कत? बढ़िया, चलो तो काम करते हैं, अगला सवाल करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी बातें हड़प्पा के मुहरों के बारे में सही है, हड़प्पा के जो मुहर हैं उनके बारे में कौन सी बात सही है आपको यहां पर यह बताना है, ध्यान से बताइएगा। ये अब फोटो है ना सारा उसी से है, एनसीईआरटी से ही है। जो लोग दौड़ते होंगे उन्हें पता होगी ये बात कि अगर फील्ड खाली होता है तो दौड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, वरना फील्ड में अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, ट्रैक पे कोई दौड़ रहा है हट ही नहीं रहा है सामने से गुस्सा आता है अलग। ठीक है, और महिलाएं भी होती हैं, वो भी एक समस्या है, मतलब महिला समस्या नहीं है, हमको समस्या है वो बात अलग है, समझ गए? तो
जैसे कि शाम में गए एकदम फील्ड खाली रहा। अरे नहीं, एक वो होता है ना, मतलब प्रेशर बन जाता है कि अब तो दौड़ना पड़ेगा 8 राउंड से 10 राउंड से कम में तो नहीं, वरना बेइज्जती हो जाएगी और धीरे दौड़ो तब भी बेइज्जती नहीं, धीरे दौड़ने में बेइज्जती है और हम दौड़ते हैं धीरे धीरे, आराम आराम से, कहाँ जाना ठीक है ना, समय को तो कब्जे में कर ही लिया है। चलो, तो यहाँ पर जो सील हैं उनका कई सारा इस्तेमाल था। सबसे पहला इस्तेमाल था कॉमर्शियल। जो सील है उसको कई बार करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, कई बार पहचान बताने के लिए कि मेरा जो सील है वो आपको अगर दूंगा तो, मतलब अगर जैसे कि होता है ना, आपने कई बार देखा होगा, आपने देखा है ना रजनीकांत की मूवी एक आई थी शिवाजी, देखी है, टकलू होता है मतलब उसमें रजनीकांत, तो शिवाजी का जब आपका इसका जो कॉलेज होता है उसको बंद करवा देता है, या फिर किसी भी मूवी में कोई भी नीलामी वाला सीन, नीलामी होती है, घर नीलाम हो गया, दरवाजे पे ताला लगा करके उस पर एक सील लगा देता है, सील लगाता है कि नहीं लगाता है, तो जो सील होती है ना वो दिखाता है कि जो ताला है वो टेम्पर्ड हुआ है या नहीं, ताला टेम्पर्ड हुआ है या नहीं। तो सील जो होता था ना, सील का मुहर लगा देते थे पोटली पर, थैले पर, कि जो पोटली है खोली गई है या नहीं, या फिर आपने देखा होगा कि कोई लेटर है, कोई ऑफिशियल लेटर है किसी मूवी में, तो दिखाते हैं ना कि लेटर को बंद करके डालते हैं लिफाफे में, ऊपर सील लगा देते हैं ताकि दिखे कि सील तोड़ा नहीं गया है लेटर का, उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, तो यहां पर जो आपका कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते थे, सील से जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, उसका आइडेंटिटी का पता चलता था, प्लस ये आपके यहां लिखी जाती थी राइट से लेफ्ट की ओर, इधर से इधर लिखते हैं, देवनागरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, देवनागरी रोमन ये सभी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। गुड्स ट्रेन के वैगन में, हाँ ठीक है ना, क्लियर बात है, क्या आंसर है आपका, डी, ऑल ऑफ द एबव आर द यूजेस ऑफ हड़प्पन सील्स, क्लियर बात। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जो वेट का सिस्टम है, भार प्रणाली थी हड़प्पा के समय में, उसके बारे में जवाब दीजिएगा, क्या लोअर भार वाले जो बाट होते थे फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, जो बड़े बाट होते थे क्या बाइनरी सिस्टम फॉलो किया करते थे, क्या बात सही है, पता है ना डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है 1, 10, 100, 1000, जैसे कि हमारा ग्राम और किलोग्राम है ना वो डेसिमल सिस्टम में है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ठीक है, तो यहां पर 10 के गुना में आता है चीजें, तो इसको हम कहते हैं क्या, डेसिमल सिस्टम। स्मॉलर वेट, जो छोटे बाट होते हैं, क्या इसका इस्तेमाल किया जाता था ज्वेलरी एंड बीड्स को इस्तेमाल करने, बना उसको तोलने में, यहां पर एक ट्रिक है सवाल सॉल्व करने का, यहां पर एक ट्रिक है सवाल सॉल्व करने का, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर जानना चाहिए, ठीक है, निकाल लोगे आंसर, बताओ जरा सोच के, राहुल, पुष्कर, सुषमा, मुकेश, रूबी, ब्रह्मदेव, राखी, ठीक है, सबको आदत हो गया है सी मारने का, अरे यार तुम लोग भी पढ़ो, एग्जाम एग्जाम क्वालिफाई करो, थोड़ा प्रमोट करो हमारे कोचिंग वोचिंग का नाम हो, है कि नहीं, पास हो गए तभी तो बच्चे आएंगे, ऐसे थोड़ी होता है कि बिना पढ़ाए बिना पास किए बच्चे आ गए, ये तो फ्रॉड होता है, फर्जी दूसरे का नाम छाप करके। इतना पल डेसिमल नहीं आया था ये कह रही है राखी, ठीक, नहीं डेसिमल आया था, उल्टा कहा गया है यहां पे, जो छोटे बाट थे वो बाइनरी में थे, जो छोटे बाट थे ना ये बाइनरी में थे,
दो चार आठ सोलह, जैसे कि हमारे यहाँ 16 आना होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है। जब मैं छोटा था ना तो जो 50 पैसे हैं इसको हम लोग 8 आना कहते थे, 8 आना 2, ठीक है। जैसे कि ये गाना भी है 4 आना दे, सर्च करना गूगल पे मिलेगा, ठीक है ना। तो 4 आने का मतलब होता है 25 पैसा, 4 आना, 4 आना है ना। हाँ 12 आना, 12 आना दे, अक्षय कुमार का गाना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, होगा मेरे पास, दिखाता हूँ। हाँ है, दिखाता हूँ आपको। देखो ये है 10 पैसे का सिक्का, ये जो है ये आपका 10 पैसे का सिक्का है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे मेरे पास बहुत पुराने पुराने सिक्के हैं यार, ये तो बस ये आपका एल्युमिनियम का है ना, जो पहले के जो सिक्के थे ना कॉपर वाले वो मेरे पास हैं, रखे हुए हैं, इतना खुला खुला नहीं रखते उसको। देखो ये 20 पैसा है, अरे क्या नहीं दिख रहा है इसमें ढंग से, ठीक है। सिक्के जमा करने का एक शौक होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको एन से बोलते हैं कुछ। ये 3 पैसा है, दिख रहा है आपको, ये 3 पैसा है। 1961 में ये जो पैसा है वो छपा था, ये कॉइन किया गया था, 3 पैसा, ठीक है। हाँ और भी, ये सिक्का बहुत पुराना है और ये घिस चुका है करीब करीब, इसमें दिखेगा नहीं आपको, ये कॉइन बहुत पुराना है, ठीक है। कॉपर वाले अलग रखे हैं मैंने, बाकी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ मैं और करता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ कोई भी सिक्का होगा ना, देखना आपके यहाँ कई सारे सिक्के हों, जैसे कि ये सिक्का 5 रुपए का है, ये सिक्का 5 रुपए का है, मगर इसके पीछे जो होता है ना कई सा कई बार विशेष ओकेजन पे सिक्का लॉन्च किया जाता है, देखो इसमें पीछे अलग चीज़ें हैं, है ना। तो वो जो जैसे कि इसमें ये सिक्का 5 रुपए का है, 5 का है, मगर इसके पीछे गांधी जी का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है, डांडी मार्च है क्या, डांडी मार्च के 65 75 वर्ष ये तब इस सिक्के को बनाया गया था। एकदम घटिया ब्लॉगर बनेंगे हम, जूम ही नहीं हो रहा, जाने दो, अभी हुआ था, ठीक है। तो उसको जमा करते हैं, तो मान लो कि दुकान में गए कुछ सामान खरीदने, तो उसको बोलते हैं कि जो सिक्के दे रहे हो चुन चुन के दो, जिसमें तुम्हारे वो है, ठीक है। हाँ ये मेरे पहले फोन का डब्बा है, जोलो मैंने बहुत पहले खरीदा था जब मैं कॉलेज में था। चलो पढ़ाई पे आते हैं फटाफट, टाइम पास कर रहे हैं बिठा के बस, क्यों जी पढ़ने में नहीं लगता। चलो तो आपका पहला जो है वो गलत है, दूसरा जो है वो सही है, क्या आंसर आ गया, पूछ रहा है कौन सा सही है ना। दूसरा, टू ऑनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये बातें हो गई, देखो जो लोअर सिक्के थे, जो छोटे वाले आपके बाट थे, वो थे बाइनरी में, 2 4 8 16 इस तरह से करके। जो बड़े बाट थे वो डेसिमल सिस्टम फॉलो किया करते थे, 10 100 1000 इस तरह के। अगला सवाल आपका है प्रियदशी, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, जो प्रियदशी है इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर बताइएगा आप ध्यान से। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले करवाते तो ज्यादा अच्छा था, काम आ जाता। सर मैंने टारगेट 20 जनवरी से शुरू किया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप टारगेट आज से भी शुरू करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस जिस दिन शुरू करो
उस दिन से पूरा फॉलो करना शुरू करो अच्छे से। हाँ, अशोक को कहते थे, बजरंग दल वाले आ गए थे। ठीक है, तो प्रियदर्शी का मतलब होता है जो जो निहारने में सुखद हो, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। ठीक है, राजा का नाम हमेशा बहुत ही जबरदस्त वीर बलशाली जैसा हो वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ राजा जो होते हैं वो एकदम होते हैं चॉकलेट टाइप के। तो ये प्रियदर्शी का मतलब होता है निहारने में सुखद। ठीक है, आप कह सकते थे नायक को या नायिका को हे प्रियदर्शी। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा के लिए ज्ञात नहीं थी? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनको कौन सी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी? जीके का सवाल है, तांबा, पीतल, सोना, लोहा, बताओ क्या आंसर सही है। ठीक है, वेलेंटाइन वाले दिन आशीष भाई को पकड़ लिया था, बजरंग दल वाले ने बोला हम ही करेंगे तुम्हारी शादी, तो ये तो खुश हो जाता ना, इसका तो इंटरकास्ट इशू है, ये तो तैयार हो जाता। बोले बढ़िया धरा है, खर्चा भी नहीं होगा हमारा तो, है कि नहीं? और ये पिटाएगा भी नहीं ना, आशीष मार भी नहीं खाएगा, ये तो बोला कि हमने तो कुछ नहीं किया। घर वाले भी क्या कुछ नहीं कहेंगे, है कि नहीं? सारा दोष बजरंग दल के माथे, और फैमिली वाले क्या कर लेंगे बजरंग दल वालों की, कुछ नहीं कर पाएंगे, मानना पड़ेगा, भाग खुल जाएंगे इसके तो। नहीं, डंडे वाली नहीं होती वो, अब रियल वाले करा देते हैं। ठीक है ना, जब देखते हैं ना पार्क में बैठे बैठे सेम शादी करवा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाँ बढ़िया, तो ये जो लोहा था वो उनको ज्ञात नहीं था। लोहा के बारे में ज्ञात ना होने के कारण जो हड़प्पन सभ्यता है वो नॉर्थ वेस्ट में ही सीमित रह गई। क्या रह गया? नॉर्थ वेस्ट में ही सीमित रह गया। जैसे ही लोहे का ज्ञान हुआ, क्यों सर? हड़प्पन सभ्यता कौन सा था? चालकोलिथिक था क्या? जो धातु इनको मालूम था वो धातु सॉफ्ट था। ये जो है ना पेड़ काटने के लिए उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया में बिहार का जो एरिया है, ईस्टर्न यूपी का जो एरिया है, ये सब एरिया में घने वन हुआ करते थे। इधर बड़े देखो ध्यान से सुनना, यहां पर ऐसे करके, ठीक है, इधर है ऐसे ऐसे, यहां पर बिहार है, यहां यूपी है, तो इधर से जब मानसून के विंड जाती है तो बारिश यहां से धीरे धीरे कम होती जाती है, यहां बारिश कम होगी, यहां बारिश ज्यादा होगी, चूंकि यहां पर बारिश ज्यादा होती है तो यहां पर वन ज्यादा घने होते हैं, इनको काटना मुश्किल होता है, बिना लोहे के औजार के नहीं काट पाएंगे, इसीलिए जो सभ्यता हमारी है वो यहां शुरू हुई और सभ्यता यहां से शुरू होकर के इधर की ओर मूव करना शुरू हुआ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ। जो वैदिक वगैरह है ना वो धीरे धीरे आकर के इधर बस गया था। फिर मौर्य आए तो मगध में आपका यहां पर साम्राज्य का स्थापना हुआ, और मगध में तो आपका पूरा है ही लोहे का पूरा। उधर पाटलिपुत्र जो राजधानी है उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है सर, ना आयरन आता ना डिफोरेस्टेशन होता, ना ना इंसान इंसान है कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, केवल लोहे से थोड़े काटते हैं। हाँ क्लियर बात है। फिर आया आया फिर कंपनी गार्डन आइए। हाँ कंपनी गार्डन मैंने घूमा है, कंपनी गार्डन मैंने घूमा है, इलाहाबाद में है कंपनी गार्डन, नहीं जो हमारे ये आज़ाद जी हैं, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं ना, इनका इनकाउंटर हुआ था वहाँ पे। आयरन मैन भी नहीं आता क्या? अच्छा रुको देखते हैं अगला सवाल। ये हो गया, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो तांबे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इन सब से परिचित थे,
यहाँ तक कि जो बहुमूल्य धातु हैं उनका सील भी हुआ करता था, मगर लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन और पूछा था घोड़े के ऊपर, क्या वो घोड़े से परिचित थे सिंधु घाटी वाले? नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर जाने जाते थे लोकहितवादी के नाम से? लोकहितवादी के नाम से कौन लोग जाने जाते थे, आपको ये बताना है। महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, अक्षय कुमार दत्त। बताना ध्यान से, किनको हम लोग कहते हैं लोकहितवादी, ध्यान से जवाब दीजिएगा। आर रिलाय थे। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था बिना हॉर्स? बैलगाड़ी भी चलती है। बैलगाड़ी है ना। हाँ, क्लियर बात। गोपाल हरि देशमुख जो है ना, गोपाल हरि देशमुख जो हैं उनको हम लोग लोकहितवादी के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोकहितवादी। इनके अनुसार जो सोशल रिफॉर्म है, सामाजिक जो रिफॉर्म है, उसके लिए धर्म इमेटेरियल है। कुछ लोग कहते हैं कि समाज में ये कुरीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि धर्म में ये बातें नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा था, चूंकि हिंदू धर्म में सती प्रथा नहीं है, इसी कारण से सती प्रथा का अबॉलिशन होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये बातें कही थी कि हमारे वेद पुराण में सती के बारे में चर्चा नहीं है। इन्होंने साफ कहा कि धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक कुरीतियां हैं उसको हटाओ, अगर सामाजिक कुरीति का जिक्र धर्म में है भी तब भी उसको हटाओ, धर्म को चेंज करो, क्योंकि धर्म इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि इंसान गलतियां करता है इसीलिए वो भी, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। कहां से थे? महाराष्ट्र से थे, याद रहेगा। ज्योतिबा फुले वो भी महाराष्ट्र से थे। तो गोपाल हरि देशमुख, इनको हम कहते हैं लोकहितवादी। कोई दिक्कत, कोई समस्या अभी तक, कोई डाउट? नहीं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, हमारी क्लास शुरू होती है 10 बजे से सुबह ऐप पर। रात के 8 बजे आपको क्लास मिलती है शंकर आईएएस की, ठीक है। यहां पर आपको जो शंकर आईएएस का जो इन्वायरमेंट है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया जाता है। हाँ, इसके बाद आपकी क्लास होती है 10 बजे रात में, क्लियर है। ये भी आपकी यूट्यूब पर होती है, ये भी आपका यूट्यूब पर होता है, ये आपका ऐप पर होता है। जिन्होंने प्लस ज्वाइन किया है, मेरे जो प्लस के कोर्सेज हैं उनको देख लेना, प्लस वाले कोर्सेज जो मैंने बनाए हैं उनको देख लेना। जिन्होंने प्लस ज्वाइन किया है, पैसा पे किया हो, फायदा उठाओ उसका। प्लस जो टेस्ट सीरीज देता है अनअकैडमी प्लस पे, उसको फायदा उठाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। फोन लेके बैठो, ऐप में आपका टेस्ट खुल जाएगा, छत पे बैठो, कहीं बैठो, गार्डन में बैठ जाओ, कहीं तुमको मन करे बैठ जाओ और क्वेश्चन लगा दो उसको, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम पढ़ेंगे तो टेस्ट सॉल्व करेंगे, नहीं, ये मूर्खता मत कीजिएगा। आप अगर शुभ मुहूर्त के इंतजार में हैं कि मैं किताब पढ़ लूंगा उसके बाद टेस्ट सॉल्व करूंगा, नहीं, तुम बस ये सोचो कि मुझे 100 क्वेश्चन पढ़ डालना है और कुछ नहीं करना, 100 क्वेश्चन पढ़ डालना है, चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो, आपको बस 100 क्वेश्चन पढ़ डालना है, ये आपका होना चाहिए पर्पस, ठीक है। रेफरल कोड SNLive है। अगर आपके किसी मित्र को ज्वाइन करना है आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। SNLive जो कोड है, डिस्काउंट मिलता है, प्लस जो मेरे सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, जो मेरी गाइडेंस है वो आपको अवेलेबल होगी पूरे तैयारी के दौरान। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे हाँ कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, टेलीग्राम, ईमेल, अनअकैडमी सब यही है, ठीक है, @gmail। ओके, ठीक है। अगर आज से स्टार्ट किया तो पहले का कवर कैसे करना होगा? तुम करो तो आज वाला शुरू, पहले वाला हम लोग से रिवाइज करा देंगे। टॉपिक
टारगेट जो छूट गया ना आपका, वो हम बाद में रिवाइज करा देंगे, तुम आज से शुरू करो, ठीक है। मगर वो ट्रांजिशन आईडी मांग रहा है, वो आईडी के मैसेज मिल नहीं रहा, प्लीज बता दीजिए क्या मतलब। क्या ट्रांजिशन आईडी क्या होता है संगीता? आर्ट एंड कल्चर। सर फी पे की थी, अच्छा ठीक है। फी क्या पे की थी? तुम एक काम करना, तुम मुझे मेल करना, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे हो ना, वहां मुझे। अच्छा यूपीपीएससी की फी पे की थी, हाँ हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ? दूसरे सब्जेक्ट कैसे करवाएंगे? किताब से करवाएंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको खुद। फिर ट्रांजैक्शन आईडी मांग रहा, उसे पूछो, उसको उसको मैसेज कर देना, मंजून को मैसेज कर देना, बता देगी वो, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और 20 और 21 फरवरी को अनअकैडमी समिट शुरू हो रहा है। ये जो अनअकैडमी समिट है ये 2 दिन का इवेंट है, 20 तारीख और 21 तारीख को। हमारे देश की जो जानी मानी हस्तियां हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मतलब कि वेबसाइट और ऐप, उस पे आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, अपने रियल लाइफ के जो इवेंट हैं वो आपसे शेयर करेंगे, अपना जो नॉलेज है आपसे शेयर करेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है कैलाश सत्यार्थी जी, यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन दीपक गुप्ता जी, फ्रैंक रोजन परेरा, आपने इनका नाम सुना होगा। राज्यसभा टीवी पर आप देखते हैं एक प्रोग्राम द बिग पिक्चर, उसके ये एंकर हैं, जो डिस्कशन है वो ये वहाँ पर कोऑर्डिनेट करवाते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल, ये जो एंटी करप्शन ड्राइव है उसमें इनका नाम आया था, ये भी एक बहुत ही काबिल ब्यूरोक्रेट हैं, अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं। परवीन कासवान आईएफएस ऑफिसर हैं। आप इन सब हमारे जो एक्सपर्ट हैं इनकी बातें सुन सकते हैं, इनसे जो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सिविल सेवा में कैसे काम होता है, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा गवर्नमेंट कैसे काम करता है, ये सब बातें आप वहाँ पर सीख सकते हैं। करना क्या है? अनअकैडमी का जो वेबसाइट है या फिर ऐप है ओपन करेंगे, आपको होम पेज पर ही अनअकैडमी सबमिट करके एक बटन मिल जाएगा, इवेंट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे कोई कोड मांगेगा, तो कोड में आपको SN Live इंटर कर देना है। SN Live इंटर कर देंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब आपको बस इंतजार करना है 20 तारीख का, जब आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप क्लास में इंटर करेंगे। कोई भी फी नहीं है, एक पैसा चार्ज नहीं है, बस वो कोड डाल दीजिएगा, आपका जो फी है सारा डिस्काउंट हो जाएगा, कोई फी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। किनके लिए है? जो लोग तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, जिन्हें पब्लिक सर्विस में, गवर्नेंस में जिनको इंटरेस्ट है, इनके जैसे करीब 70 स्पीकर जो हैं वो यहाँ पर अनअकैडमी के समिट का जो हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पर आएंगे, अपना जो लेक्चर है, अपना जो बातें हैं, जो अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो पूरा इवेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक पैसा कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 20 फरवरी को आपका जो अनअकैडमी का कॉम्बैट है, ये एक टेस्ट है। मतलब कि होता क्या है कि यहाँ पर जो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, आपस में कंपीट करते हैं, ये गेम की तरह होता है, ये सिंपल टेस्ट नहीं होता कि आपको 2 घंटा बैठाया गया, क्वेश्चन दिए गए, सॉल्व कीजिए, नंबर आया। यहाँ पर जो स्कोरिंग होती है वो रिलेटिव होती है। 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये आपके नॉलेज का टेस्ट करेगा। दूसरों के मुकाबले आपकी जो हालत है वो कितनी अच्छी है, मतलब आप कितने पानी में हैं, अगर आप उतरते हैं लड़ाई में, ये आपको दिखेगा। कब है? 28 फरवरी सुबह 11 बजे से। सेम SN Live मास्टर कोड आपको यूज़ करना है, आपको सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, सारे इवेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक होंगे। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वहाँ पर अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपका जो फी है वो डिस्काउंट हो जाएगा।
फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 28 फरवरी के बाद आपको केवल 5% रह जाएगा सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको 28 फरवरी के पहले ही ज्वाइन करना है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये बातें हो गई, हम मिलते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।